हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नोवल स्टडी में आपका स्वागत है। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? हमने देखा था हमारी इंग्लिश इंग्लिश का जो लेक्चर था हमारा 3 डेज वाला, वो हमारा एंड हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा किसका है? रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग का। ये हमारा 3 डेज, आगे की 3 डेज ये हमारा कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो किसका है? मैंने पहले बताया था आपको रीजनिंग की क्लास में, हमारा क्लॉक कंप्लीट हुआ है, अब हमारा कैलेंडर है। ठीक है, क्या है? कैलेंडर। मैं आपको इस तरीके से कैलेंडर पढ़ाने वाला हूँ कि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैलेंडर की हमारी 2 से 3 वीडियो में हमारा कैलेंडर एंड हो जाएगा। ठीक है, सारे हम कोड और ट्रिक वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम उसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस को टाइम, लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लास्ट टाइप के क्वेश्चंस से बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम उसको ओनली ट्रिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग कैलेंडर होता क्या है। देखो कैलेंडर बेसिकली होता क्या है, कैलेंडर हमारा होता है, देखो यहाँ पे हम समझते हैं कैलेंडर को। कैलेंडर वही होता है जो आपके घर पे रहता है। ठीक है, कैलेंडर को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ डे। अच्छा, हिंदी का लेक्चर है, सॉरी रीजनिंग का है। दिनों का समूह क्या होता है? हमारा कैलेंडर दिनों का समूह। ठीक है, ग्रुप ऑफ डे। कैलेंडर में हमारे क्या होते हैं? कुछ हमें डेट्स दी होती हैं, डेट्स, उन डेट्स में हमें ये बताना होता है कि ये हमें ये डेट किस तारीख को। देखो टाइप इसमें कितनी बनते हैं ये समझ लीजिए, इसमें हमारे 3 टाइप बनते हैं। ठीक है, हमें कोई डेट दी होगी, जैसे कि ये समझ लीजिए 2 जनवरी 2019 ये दिया हमें। ठीक है, वो हमसे पूछेगा, देखो सबसे पहले इसमें 3 टाइप बनते हैं, 1 2 3। सबसे पहले वो किसको चेंज करेगा? डे को। ठीक है, सेकंड में टाइप में वो किसको चेंज करेगा? मंथ्स को। सेकंड टाइप में दोनों को चेंज करेगा, और लास्ट टाइप में वो ये पूछेगा कि 2 जनवरी 2019 को कौन सा डे था। तो इस टाइप के हमारी 3 टाइप के ये क्वेश्चन हमसे पूछता है कैलेंडर। ठीक है, पर हमारे कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस भी होते हैं, जैसे कि रिपीट ऑफ कैलेंडर। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो 2 जनवरी 2019, अगर हमने ये दे दिया 27 जनवरी 2019 को कौन सा डे होगा, अभी अगर संडे है तो ये कौन सा होगा, ये फर्स्ट टाइप में हो जाएगा हमारा। फिर वो ये पूछ सकता है यहाँ पे 29 मार्च 2019 को हमें कौन सा डे मिलेगा, ये हमारा सेकंड टाइप। पर वो लास्ट टाइप में हमसे ये पूछेगा कि 15 अगस्त 1948। ठीक है, ओनली हमें कुछ नहीं देगा वो, कौन सा दिन था इस दिन। ठीक है, ये हमारा पूरा टाइप होता है। तो इसको समझ लीजिए, उसको मैं रब कर दे रहा हूँ, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कैलेंडर को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने हमारा लेक्चर देखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, ग्रुप ऑफ डे होता है हमारा कैलेंडर, समझ लीजिए। देखो कैलेंडर में हमारा होता क्या है बेसिकली, ये समझ लीजिए। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक होता है हमारा ऑरिनिट्री ईयर। ठीक है, एक होता है हमारा लीप ईयर। कैलेंडर में होते क्या है हमारे? ठीक है, 2 ईयर होते हैं, इसको हम नॉर्मल वर्ड्स या साधारण वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, साधारण साधारण वर्ष। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? लीप वर्ष, इसको हम लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, हमारे 2 टाइप्स के हमारे ईयर होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, 2 टाइप के हमारे वर्ष होते हैं। ठीक है, अब हमें समझना क्या है इन चीज़ों को, लीप साधारण वर्ष कौन से होते हैं, साधारण वर्ष कौन से होते हैं और लीप वर्ष कौन से होते हैं। ठीक है, साधारण वर्ष जो होते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हो, वह वर्ष
जिसमें 365 days होते हैं, ठीक है। 365 days होते हैं, वो कौन सा होता है हमारा? नॉर्मल ईयर, इसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर। इसमें क्या होते हैं हमारे? 366 days होते हैं, ठीक है। इसमें जो एक दिन ऐड होता है वो हम आपको बता दें, एक दिन फरवरी का ऐड होता है, जो कि हमारी इसमें कितने की होती है? 28 की, और इसमें होती है 29 की। तो एक दिन हमारा इसका ऐड होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पर साधारण वर्ष और लीप वर्ष में हम एक चीज़ और बता दें आपको, इसमें हमें पहचानते कैसे हम लोग कि ये वाला साधारण वर्ष है और ये वाला हमारा लीप ईयर है। इसमें पहचानने के लिए क्या करते हैं, अगर हमें लीप ईयर चेक करना है तो हम किससे भाग देते हैं? चार से। नॉर्मल किससे देते हैं? फोर से, ठीक है। ऐसे कि हमारा ये है 16, ठीक है। इसके जो लास्ट के टू डिजिट हैं उनको हम किससे भाग देंगे? फोर से। फोर से अगर हमारा फोर से कट रहा है, ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमारा कौन सा है? लीप ईयर है, ठीक है। और इसको नॉर्मल ईयर में हम क्या देखेंगे? नॉर्मल ईयर में ये देखना है हमें 2018 है, इसमें हम देखना है कि हमारा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो इसको फोर से डिवाइड करेंगे, इसके लास्ट के टू डिजिट को इसको देखेंगे। यहाँ पे ये रिमाइंडर दे रहा है हमारा, कितना रिमाइंडर दे रहा है? टू रिमाइंडर दे रहा है। अगर रिमाइंडर दे रहा है तो हमारा कौन सा ईयर है? ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अभी और समझते हैं इसको। आपको कैलेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ लीजिए। फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ इसको। कौन सा होता था हमारा? इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पे थोड़ा वो काम नहीं कर रहा अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे कौन कौन से होते थे? फर्स्ट हमारा ऑर्डिनरी ईयर, इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल ईयर लिख देते हैं, ठीक है, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। और एक होता है हमारा लीप ईयर, ठीक है। देखो अगर नॉर्मल ईयर में वो क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? ऐसे कि हमने वहाँ पे उसने दिया है, मैं एग्जांपल के थ्रू हमें समझाने के लिए दिया है। एक आप ये समझ लीजिए, कैलेंडर में हमारे तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी ये नॉर्मल टाइप चल रहा है, जो लास्ट वाला टाइप है वो अच्छा है, उसको हम कोड के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, और ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं, अभी किस पर चल रहा है? कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अभी नॉर्मल ईयर समझ लीजिए, नॉर्मल ईयर कौन कौन से होते हैं हमारे? देखो हमने क्वेश्चन दे दिया हमें, टू जेन 1982 ले लीजिए, को हमारा क्या है? मंडे है, ठीक है। 2 जनवरी 1982 को हमारा कौन सा डे है? मंडे है, ठीक है। हमारा 2 जनवरी 1983 को कौन सा डे होगा, ठीक है। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, क्योंकि इसके बिना हमें समझ में नहीं आएगा आगे वाला जो भी है, ठीक है। कौन सा डे होगा, तो हमने ये पता, हमें ये पता है कि हमारा जब वन ईयर होता है, देखो ये पहले ये देखो, ये कौन सा ईयर है हमारा? नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? ये हमारा कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर है, क्योंकि इसके लास्ट के टू डिजिट फोर से रिमाइंडर दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए टू रिमाइंडर दे रहे हैं। तो ये कौन सा है हमारा? नॉर्मल ईयर है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? 8 और 2, यानी कि लास्ट के टू डिजिट को हम फोर से डिवाइड करने पर, ठीक है। इसको भी देखेंगे, ये हमारा कौन सा? नॉर्मल ईयर है। तो हमेशा ये कितने दिन का गैप हो रहा है इनमें? 365, 365 दिन, एक साल ही तो ऐड हो रहा है, 2 जनवरी से 2 जनवरी, ठीक है। और हमारा ये नॉर्मल ईयर है, तो हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें ऑड डेज कितने निकलते हैं हमारे? कितने निकलना है इसमें हमारे? 1। ऑड डेज कितने निकलना है इसमें? अभी ऑड डेज बताएंगे क्या होते हैं, अभी इसको इतना समझ लीजिए। यहाँ पे ओनली 1 बचता है, तो हम इस मंडे है अगर 1982 को, तो 1983 को 2 जनवरी में क्या होगा हमारा? ट्यूजडे। क्या होगा? शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्यूजडे होगा। क्या होगा हमारा? ट्यूजडे
ट्यूसडे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल इसके हिसाब से समझ लीजिए, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया है, मैं यहाँ पे दिया है 5 मार्च, ठीक है, 1983 को हमारा क्या है, ट्यूसडे है, ठीक है। तो हमें दिया है 5 मार्च 1984 को कौन सा हमारा डे होगा। और यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, देखो हमारा कितना दिया है, पहले 83 देखेंगे, ये हमारा लीप ईयर नहीं है, 84 देखेंगे, 84 कैसा है, हमारा लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है 2 और 1, ये हमारा कौन सा है, लीप ईयर है, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए शॉर्ट में या कैसे भी, पहले इसको समझ लो, 1983 यहाँ पे हमारे कितने दिन बढ़ेंगे, देखो एक ईयर तो हम एक ईयर में 83 से 84 जाने में एक दिन बढ़ता है, अभी मैं प्रूव किया है अभी, ठीक है, क्योंकि 365 डेज होती है, तो उसमें ऑड डेज कितने होते हैं, 1, ठीक है, तो एक बढ़ा। और हमारा एक लीप ईयर है, लीप ईयर में हमारे कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन बढ़ते हैं, क्योंकि एक हमारा क्या हो जाता है, फेबररी का एक दिन, उसमें 84 में फेबररी कितने की हुई होगी हमारी, 29 की, ठीक है, तो हमारे 2 डेज ऐड हो जाएंगे इसमें, देखो ट्यूसडे और 2 डे कितने हो गए हमारे, ये मंगल बुध गुरुवार, क्या हो गया, थर्सडे, क्या हो गया हमारा, थर्सडे, ठीक है। और समझ लीजिए, यहाँ पे हमें ऑड डेज पर चलते हैं, अभी किस पर चलते हैं, ऑड डेज पे, ऑड डेज क्या होते हैं हमारे, ऑड डेज निकालना बताऊंगा कैसे निकालते हैं, अभी ओनली इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी ओनली हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, अभी कैलेंडर का क्या चल रहा है हमारा, इंट्रोडक्शन, ठीक है, अभी इंट्रो क्लास चल रही है अभी, अभी हमारा क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन। इसमें ये समझ लीजिए, हमारा नॉर्मल ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया, अब हमारा क्या बचा है, ऑड डेज क्या होते हैं, ऑड डेज समझ लीजिए, ऑड डेज मीन्स होते हैं हमारे विषम दिन, देखो विषम दिन क्या होते हैं हमारे, ये समझ लीजिए, देखो कोई हमें अगर ईयर दिया हो, पहले एग्जांपल से समझते हैं, कोई हमें कोई दिन दिया है, देखो 37 दिया है हमें कोई, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये 7, चलो डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ, पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी, जो ईयर या डे 7 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर देता है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा क्या होता है, ऑड डेज, ठीक है, रिमाइंडर देता है और वह रिमाइंडर, वह रिमाइंडर क्या कहलाता है हमारा, ऑड डेज, ऑड डेज या विषम दिन, विषम दिन कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर कोई हमें ईयर दिया है या डे दिया है, ठीक है, हमें उसमें चेक करना है कि इसमें कितने और डेज हैं, ये समझ लीजिए, देखो हमें कोई ये दिया है ईयर 1948 दिया है, ठीक है, इसमें हम क्या चेक करना है, ऑड डेज चेक करना है, तो 48 लास्ट के 2 डिजिट और 7 से डिवाइड किया, तो 7 हमारा कितना बार गया, ये 7 5 6, 7 5 35, 7 6 42, 42 बार कितना रिमाइंडर बचा हमारा, 6, ठीक है, तो हमारा क्या है, ये 6 क्या है हमारा, रिमाइंडर है, तो ये हमारा क्या है, ऑड डेज है, ठीक है।
ये हमारे क्या है ऑड डेज हैं। और समझ लीजिए यहाँ पे देखो ऑड डेज, और निकालते कैसे हैं, सेवन से हम उसको डिवाइड करते हैं। देखो अब यहाँ पे हम बताने वाले हैं कुछ मंथ्स के ऑड डेज कैसे निकालते हैं, जो आपको याद करने हैं बेसिकली, ये आपको याद होना चाहिए ठीक है। कुछ मंथ्स बता रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर कुछ मंथ समझ लीजिए, जनवरी, फेब, अप्रैल, मार्च, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मार्च, जनवरी, फरवरी, सॉरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें ऑड डेज निकालना, हमें क्या निकालना है ऑड डेज, और ये कोड जो हमें याद होना चाहिए आपको ठीक है, क्योंकि हर बार आप डिवाइड नहीं करोगे। देखो जन्म का निकालेंगे कैसे निकालेंगे, जनवरी का यहाँ देख लो, वहाँ लिख दूंगा मैं ओनली। निकालते कैसे हैं, कितने डेज होते हैं 31 जनवरी में ठीक है, सेवन से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर बचा, 7 × 28, कितना बचा 31, यानी कि 3 रिमाइंडर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 3। फेब का चेक करो, देखो कभी कभी फेब में जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में क्या होते हैं हमारे 29 डेज होते हैं, तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 1 रिमाइंडर ठीक है। और जो 28 वाले नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें क्या होता है 7 × 28 ठीक है, ये पूरा जाता है हमारा, ये पूरा, तो इसमें 0 होता है ठीक है, तो कभी 0 कभी 1 ये कर लो। मार्च में कितना बचेगा हमारा, मार्च में होते हैं 31 और 31 का कितना रिमाइंडर 3, तो ऐसे ही हमारा कोड एक लाइन से याद कर लो 3 2 ठीक है, फिर यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये दो होते हैं ना जुलाई और अगस्त, इसमें दोनों में सेम डेज होते हैं 31 31, इसलिए यहाँ पे 3 3 हो रहा है ठीक है, इसमें 2 और इसमें 3, इसमें 2 इसमें 3 ठीक है। ये कोड भी आपको याद होना चाहिए। अक्टूबर में हमारे कितने होते हैं 3 कोड है, अक्टूबर का, नवंबर का 2, दिसंबर का 3 ठीक है, ये कोड नहीं है बेसिकली, कॉन्सेप्ट वाइज है, आप समझ लीजिए ठीक है, ये हमारे ऑड डेज के कोड है, नोट कर लीजिए आप इसको ठीक है। फिर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उस पर ठीक है, चलो मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ। कैलेंडर में आपको कोई डाउट्स नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस आप कोई से भी बुक के सारे क्वेश्चंस कहीं से भी आप लेकर आओगे, पूरे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। बट आपको शुरू से हमारी वीडियो फर्स्ट क्लास है, ये अभी से हमारी वीडियो को देखना पड़ेगा ठीक है, डेली अभी 3 दिन क्लास लगेगी, हम कोशिश करेंगे कि 3 दिन में हमारा कैलेंडर एंड हो जाए ठीक है, आगे हमें जाना ना पड़े ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि हमारा किस पे बेस्ड है, ऑड डेज पे ही बेस्ड है हमारा। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 100 वर्षों में विषम दिन, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये, कितने होते हैं। ठीक है ये बहुत बार पूछा भी गया है, इसमें ऑप्शंस में दिए होते हैं आपके 2, बी में 3 ठीक है, सी में 4 और डी में 5, ऐसे ऑप्शंस भी मिलते हैं आपको। तो आपको इसको चेक कैसे करना है, आपको बनाना कैसे है ये समझ लीजिए, आपको याद नहीं करना। कुछ लोगों को क्या है याद होता है कि 100 ईयर में हमारे ऑड डेज होती है 5, कुछ लोगों को याद होता है, पर उसके बेस्ड पे वो आगे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कैसे होती है ठीक है, जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो उसके अकॉर्डिंग नहीं बना पाते, इसलिए हमें पूरा कॉन्सेप्ट्स लेके चलना है। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट्स ठीक है, तो समझ लीजिए 100 वर्षों में देखो कितना ईयर दिया हमें, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं हम, इसमें हमारे 100 वर्षों में कौन कौन से ईयर रहे होंगे, नॉर्मल ईयर रहा होगा हमारा, नॉर्मल ईयर को हम इस ये भी बोलते हैं, आप कभी कभी ऐसे लिख लेता है ऑर्डिनरी डे ईयर ठीक है, ये भी समझ लीजिए ठीक है। नॉर्मल ईयर हमारे कितने रहे होंगे इसमें, ये समझ लीजिए, पहले
सौ में ये चेक करना होता है। अच्छा आप लोग ये बताओ, 100 वर्षों में लीप ईयर कितने रहे होंगे हमारे, लीप ईयर कितने रहे होंगे हमारे, ठीक है। लीप ईयर हमारे आप लोग कैसे चेक करोगे, 4 से डिवाइड करोगे लीप ईयर को चेक करने के लिए, कैसे, 4 से डिवाइड किया कितना बचा हमारा, 25। लेकिन ऐसे करोगे तो ये गलत है, ये हमारा क्या है, सब लोग ऐसे ही निकालते हैं। वो क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो वो 25 ऑप्शंस में दिया होता है, वो क्लिक कर देता है और आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो 25 हमारा आंसर नहीं होएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए क्यों नहीं होगा, अब ये समझ लो। देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग दी है मैं, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है ये समझ लो, देखो उसमें हमारे 2 ईयर, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर, ठीक है। 2 ईयर होते हैं हमारे नॉर्मल और लीप ईयर, ठीक है। तो देखो 100वां जो वर्ष है, 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से 100वां जो वर्ष है, जो लास्ट वाला वर्ष रहा होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा देखो 100 जो हमारा क्या होती है, शताब्दी होती है हमारी, क्या होती है, शताब्दी, शताब्दी वर्ष होता है हमारा 100, शताब्दी वर्ष होता है 100 हमारा, ठीक है। हम करेंगे क्या इसको, ये हमारा लीप वर्ष नहीं रहेगा, ठीक है। 100वां जो वर्ष होगा लास्ट वाला, वो लीप शताब्दी नहीं होगा। शताब्दी वर्ष में भी दो होती है हमारी, कौन कौन सी समझ लीजिए, साधारण शताब्दी या नॉर्मल शताब्दी बोल सकते हैं उसको, और एक लीप शताब्दी, लीप शताब्दी, ठीक है। देखो जो हमें 400 से डिवाइड हो जाए वो हमारी लीप, और जो 400 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचे, ठीक है, वो हमारी कौन सी, साधारण शताब्दी, ठीक है। तो इसमें ये समझ लीजिए 100 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रेशियो दे रहा है, 1/4, तो मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारी कौन सी जो 100वीं जो शताब्दी है हमारी, वो कौन सी है, 100वां जो वर्ष है हमारा, वो क्या है, वो लीप शताब्दी नहीं है, वो कौन सा, लीप शताब्दी नहीं है। इसलिए हम 100वां जो वर्ष है ना उसको हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। तो कहां तक आएंगे हम, ओनली 99 तक, और 99 को 4 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे, 24 के समथिंग, क्योंकि यहाँ पे 96 हो जाएगा, ठीक है, 24। तो हमारे कितने होते हैं लीप ईयर 100 वर्षों में, 24। समझ में आ गया ना कैसे होती है, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी था, कैसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बार बार, ठीक है। 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, डायरेक्टली याद कर दो, 100 वर्षों में लीप ईयर होते हैं हमारे 24, ठीक है। और हमारे नॉर्मल ईयर कितने रहे होंगे, 100 माइनस 24, 76 वर्ष, ठीक है, कितने रहे होंगे, 76 वर्ष, 76। ये हमारे नॉर्मल ईयर हो गए, ये हमारे लीप ईयर हो गए। अब बात आती है ऑड की, ऑड डेज, ऑड डेज को निकालते कैसे हम लोग, 100 वर्षों में विषम दिन निकालना है हमें, ऑड डेज को निकालते कैसे है, 7 से हम डिवाइड करते हैं। देखो इसको हम 7 से डिवाइड, देखो 76 साल में कितने ऑड डेज रहे होंगे हमारे, क्योंकि एक साल में हमारा कितना बढ़ता है, एक, तो 76 वर्षों में कितने बड़े होंगे, 76 ही बड़े होंगे, नॉर्मल सी बात है, एक का गुणा कर दिया होंगे हमारे 76, ठीक है। कितने ऑड डेज रहे होंगे हमारे 76 वर्षों में, 76 ऑड डेज, ठीक है। अब 24 में इसमें देख लेते हैं हम लोग, देखो लीप ईयर में कितने बढ़ रहे थे हमारे, यहाँ पर समझ लीजिए, 365 का 7 में डिवाइड किया, नॉर्मल ईयर हमारा कितना होता है, 365, 7 में डिवाइड किया तो एक बचा हमारा रिमाइंडर, इसलिए हम यहाँ पे एक से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मल लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366, 7 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है। ऑड डेज कितने होते हैं, एक वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं नॉर्मल लीप ईयर में, 2, तो 24 वर्ष में कितने होंगे, 2, 24 × 48, ठीक है। दोनों को ऐड किया कितना हो रहा है हमारा, दोनों को ऐड करने के बाद 8 और 6 14, ये हो गया हमारा 7 और 4 11 और 1 12, 124, ठीक है, 124 हमारे ये हो गए। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे लेकिन हम, ठीक है, क्योंकि ऑड डेज निकालना है ना हमें, ऑड डेज कभी 7 से ऊपर नहीं होता, क्योंकि 7 से तो वो कट जाता है, ठीक है, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 से डिवाइड किया क्या आएगा हमारा, 7, 1 मार गया 5, ठीक है, 7 6 42, 7 6 48, 7 7 49, ठीक है, 7 बार गया 9, तो कितने बचे हमारे, 5 49 5 54, ठीक है, 5 रिमाइंडर बचा हमारा, क्या बचा, 5 रिमाइंडर,
फाइव माइंड बचा है हमारा, ठीक है। तो मैं ये याद होना चाहिए, याद देखो कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने, अगर याद करना चाहो तो याद कर लो क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। 100 वर्ड्स में हमारे कितनी होती है, 5 डेज हमारे रिमाइंडर होते हैं, ठीक है। 124 निकले थे लेकिन उसको 7 से डिवाइड किया क्योंकि है ना ऑड डेज कभी 7 से बड़ा नहीं होता क्योंकि वो 7 से डिवाइड हो जाता है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया हमारा, 100 वर्ड्स में 5 हो गया, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, अच्छा सा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कमेंट करके हमें बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है, कैसा हमारा तरीका है पढ़ाने का, ये भी बताते रहिएगा। देखो हमारा अभी हमें क्या किया अभी हमने, 100 वर्ड्स में हमारे कितने होते हैं वर्ड डेज, 5, ठीक है। अभी कभी कभी हमसे पूछ लेता है 200 वर्षों में हमारे वर्ड डेज कितने होते हैं, 200 वर्षों में वर्ड डेज कितने होते हैं, वर्ड डेज 200 वर्षों में कैसे निकालते हैं हम लोग ये समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने 100 में निकाला वैसे हम 200 में निकालते हैं, देखो दो तरीके होते हैं, या कॉन्सेप्ट या डायरेक्ट। डायरेक्ट जैसे कि हमने किसी ने याद कर लिया कि 100 वर्षों में कितनी होती है, 5, 200 वर्षों में कितने होंगे, 2 का पूरा करो 200, इसमें भी 2 का 10, 10 को 7 से डिवाइड किया कितना बचा 3, यानी कि 3 डेज होते हैं हमारे, ठीक है। ये हमारे क्या है डायरेक्ट, एक बार फिर से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट से कैसे समझना है हमें। देखो 200 है हमारे, ठीक है, 200 में हमारे कितने ये रहे होंगे हमारे लीप ईयर, लीपियर कितने रहेंगे हमारे 200 में, देखो जब हमारे 100 ईयर में कितने थे 24, ठीक है, क्योंकि 100-100 से तो हमें करना ही पड़ेगा डायरेक्टली, फिर 200 से बहुत लंबा खिंच जाएगा। 100 में हमारे कितने थे 24, तो 200 में कितने होंगे 48, ठीक है। ये हमारा 48 हो गया, बचा क्या 152, ठीक है। 152 को नॉर्मल ईयर में हमारा एक हो गया, 152 हो गया, ठीक है। इसमें हमें क्या 2 से 48 दूनी कितना हो गया हमारा 96, दोनों को ऐड किया 6 और 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 15 और 9 24 48, इसको 7 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा ये हमारा 7 × 14 = 21 और 3 × 7 = 35, क्या बचा रिमाइंडर हमारा 3। तो हमारा हमें याद कर लो या कुछ भी कर लो 200 में हमारे कितने होते हैं 3, यहाँ भी हमारा 3 निकल के आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ओपी आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे वो हमें 300 का भी पूछ लेता है कभी कभी, 300 में कितने वर्ड डेज होते हैं, 300 में बता देंगे हम हमारे 100 में कितने थे, यहाँ पर समझ लो 100 में कितने थे 5, 300 में कितने हो गए हमारे, सॉरी 100 में हमारे कितने थे 5, तो 300 में 300 करना है यहाँ पे, तो कितने हो गए 15, 15 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1, यानी कि 300 में कितने होते हैं 1, ठीक है। 300 में 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं हमारे 1। देखो अब 400 वाला कॉन्सेप्ट समझो, देखो 1 2 3 4 यानी कि 100 200 300 400, ये चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपको याद भी होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट वाइज पता भी होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। 400 में देखो चेंजेस हो जाती है पूरी डायरेक्शन, क्योंकि 400 वाला जो वर्ष है ना वो हमारा कैसा होता है, 400 वाला वर्ष कैसा होता है हमारा, शताब्दी वर्ष होता है, ठीक है। 400 वाला कौन सा होता है हमारा, देखो 400 डिवाइड किया, 400 को हम किससे करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे क्योंकि शताब्दी है रही हमारा, 400 से 400 बार गया क्या बचा रिमाइंडर 0, ठीक है। तो इसमें ऑड डेज क्या होंगे हमारे 0, ठीक है। ऐसे ही नोट कर लो, एक 400 800 1200 1600, यानी कि जो भी 4 का मल्टीपल है 400 का मल्टीपल सॉरी
वो उसमें रिमाइंडर कितने रहेंगे, परसों में हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा ऑड डेज, ऑड डेज जीरो होते हैं, ठीक है। हमें पता होना चाहिए 400, 800, 1200, 1600 में, मतलब 400 का मल्टीपल में हमेशा ऑड डेज कितने होते हैं हमारे, जीरो होते हैं, ठीक है। ये हमें मालूम होना चाहिए, ये हमारे ऑड डेज का जो कॉन्सेप्ट था उसी के ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 हम हमारे नॉर्मल कैलेंडर ईयर पर चलते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। देखो हमने कैलेंडर में क्या चीजें पढ़ी थी, लीप ईयर, नॉर्मल या ऑर्डिनरी ईयर, और कौन सा था हमारा, ऑड डेज, ऑड डेज, ये हमारी तीनों चीजें पढ़ी थी हमने, और ये हमने तीनों चीजों को डेफिनेशन के वाइज बता भी दिया। हम इस नॉर्मल क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आप इनको, टाइप 1 क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, उसके लिए आप कोड याद कर लो थोड़ा, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। देखो मंडे, ठीक है, और ट्यूसडे, और वेडनेसडे, और थर्सडे, और फ्राइडे, और सैटरडे, और संडे, इनके कोड क्या होते हैं हमारे, मंडे का 1, ट्यूजडे का 2, 3, 4, 5, 6, इसको 7 भी बोल सकते हैं कभी कभी, और इसको 0 भी, ठीक है। 7 भी कभी कभी 7 की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, इसलिए 7 याद कर लेना इसका, और 0 भी बोलते हैं इसको, वैसे बेसिकली 0 होता है, ठीक है। तो हमारे कोड है याद कर लेना इनको, और जो मंथ वाले कोड थे जनवरी फरवरी कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूँ इसको, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। टाइम वन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखो, यदि नवंबर की पहली तारीख, यदि नवंबर की पहली तारीख को क्या है हमारा, पहली तारीख का दिन क्या है, तारीख का दिन सोमवार है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 2 के पहले हमें बेसिक से ले रहे हैं अभी। देखो यदि नवंबर की पहली तारीख को वो कौन सा दिन दे रहा है, सोमवार, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, दो टाइप है, कोड वाइज भी बताऊंगा। देखो पहली तारीख को कौन सा है, फर्स्ट डे हमारा कौन सा है, फर्स्ट डे क्या है हमारा, मंडे, फर्स्ट डे हमारा मंडे, ठीक है। तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, अभी कुछ लोग ऐसे ऐड करते हैं जिनको अभी पता नहीं, तो 7 से फिर इसको 7 में ऐड करते हैं, क्या होता है हमारा 8 तारीख को होगा मंडे, फिर इसको 7 से प्लस करते हैं 15 तारीख को क्या होगा, मंडे, ठीक है, ऐसे करते हैं, फिर इसको 7 से करते हैं तो क्या होगा हमारा 22 को क्या होगा, मंडे, ठीक है। 22 25 तक जाना है हमें, 22 को मंडे, 23 को क्या हो गया हमारा ट्यूजडे, 24 को हमारा हो गया वेडनेसडे, 25 को क्या हो गया फ्राइडे, ठीक है, सही है ना, फ्राइडे, मंडे, ट्यूजडे, सॉरी यहाँ पे थर्सडे होगा, फ्राइडे नहीं होगा, थर्सडे, ठीक है। हमारा 25 को क्या आएगा आंसर, थर्सडे आएगा, लेकिन ऐसे में टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है, इसलिए कोड से याद रखो और वो भी आएगा। देखो पहली तारीख को क्या है हमारा, मंडे, ठीक है, जाना कहाँ हमें, 25 नवंबर तक जाना है हमें, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 24 का,
7 से डिवाइड करो 24 को, कितना रिमाइंडर बचा हमारा, अंतर कितने का आ रहा है हमारा 7 का, ठीक है, अंतर कितने का आ रहा है 7 का, इसको करेंगे 3, 7 21, 3 रिमाइंडर बचा हमारा, कितना 3 रिमाइंडर, देखो 3, मंडे का कोड क्या होता है हमारा, मंडे का कोड देखो 1, अभी मंडे इसी तो चलना है हमें, ठीक है, मंडे का कोड 1 है और 3 में इसको ऐड कर दिया, 3 दिन आगे तो चल रहा है, वो आगे तो चल रहा है ना, पहली तारीख से 25 को, तो 4 कोड किसका है, थर्सडे का, तो आंसर क्या हो गया हमारा, याद होना चाहिए आपको कोड थर्सडे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये ज्यादा बेटर है क्योंकि एग्जाम की जो टाइमिंग है वो हमारे पास कम रहती है, तो इन्हीं के क्वेश्चन तो हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करने पड़ते हैं, इसलिए अगर ऐसे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए ऐसे करते जाओ और आंसर जल्दी जल्दी देते जाओ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है, ये कोड आप लोग याद कर लेना इसको, सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे आपको, ठीक है, लास्ट वाली क्लास में एमसीक्यू भी दे देंगे जिसके आपके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ये घंटे की क्लास ले लेंगे, उसमें एटलीस्ट 50 क्वेश्चन की कोशिश करेंगे, 50 क्वेश्चन हो जाए जल्दी जल्दी, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया, देखो यहाँ पे वर्ष 1988 में हमारा स्वतंत्रता दिवस था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, टाइप 1 में बुधवार को मनाया, किस दिन मनाया, बुधवार को मनाया, तो 1989 में हम कब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हम किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है, देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, समझ लीजिए, 1988 में क्या दे रहा है हमें, वो 1988 में दे रहा है, ठीक है, देखो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहा है ना, तो 1988 में किस दिन था, बुधवार के दिन, ठीक है, मैं इंटरेस्टली बोल सकते हैं इसको, ठीक है, तो 15 अगस्त 1989 क्योंकि यहां से यहां तक चलना है हमें, ठीक है, पहले दोनों को देखना है, ये हमारा 89 जो हमें दिया है वो हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है, 89 हमारा लीप ईयर नहीं है, ये हमारा ये वाला ईयर जो है ना वो लीप ईयर होना चाहिए, जब हम कितना ऐड करते हैं 2, अभी हम एक ऐड करेंगे, ठीक है, एक ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा थर्सडे, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ लीजिए, नोट करना चाहो नोट भी कर सकते हो, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, साथ में जो बेल आइकन का प्रेस आ रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, इससे हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके चैनल पर मिलती रहेगी, और आप हमें फॉलो करते रहें देखते रहें, नोबल स्टडी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है, किस डेट को होगा, यानी वो ये कह रहा है कि इसी महीने के दिसंबर में, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 दिसंबर 1991 को क्या है, संडे है, तो
दिसंबर के दिसंबर में चौथा मंगलवार, चौथा मंगलवार वो कौन सी डेट होगी? बेसिक से क्वेश्चन है, समझ लीजिए। 1 दिसंबर को क्या दे रहा है हमें वो? 1 दिसंबर को हमारा क्या है, यानी कि महीने की 1 तारीख को क्या है हमारा? संडे है, ठीक है? क्या है हमारा? संडे है। तो वो लास्ट में जो मंगलवार दे रहा है वो कब पड़ेगा ये समझ लीजिए, ठीक है? दिसंबर में हमारे कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं, ठीक है? चौथा मंगलवार, पहले इसमें मंगलवार ही निकालते हैं हम, उनको क्या होगा हमारा? ट्यूजडे। दो को हमारा क्या रहेगा? ट्यूजडे रहेगा, ठीक है? दो के बाद फिर कितने को पड़ेगा हमारा ट्यूजडे? 2 + 7 = 9 को पड़ेगा ट्यूजडे। तो यहाँ पे देखो कितने को पड़ेगा? 16 को हमारा क्या पड़ेगा? ट्यूजडे, ठीक है? तेरह कब पड़ेगा? मान लीजिए हमारा पहला, दूसरा मंगलवार और ये तीसरा, ठीक है? 23 को पड़ेगा ट्यूजडे, चौथा, चौथा ही बोल रहे हैं। हाँ, तुम्हारा कौन सा डेट आंसर आ रहा है हमारा? 20, कुछ गलत हो रहा है, देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे संडे मंडे में मुझे हर बार संडे। देखो एक को दिया है ना, वो क्या दिया है हमें? संडे, ठीक है? तो 2 को हमारा क्या होगा? मंडे होगा। मैंने क्या कर दिया? इसी में ऐड कर दिया उसको। ये को क्या रहेगा हमारा? ट्यूजडे, यानी कि 3 तारीख को हमारा क्या है? ट्यूजडे। अब वो जाकर आया चौथा मंगलवार, अब की बात कर रहा है वो, ठीक है? 3, तो हमारा कितने मतलब डेज ऊपर जाना है अभी? 3 हमें पता है कि हमारा पहला वीक है। कौन सा वीक है? पहला। तो वो किस कितने वीक की बात और कर रहा है? कितने वीक की और बात कर रहा है? 3 वीक की। 3 वीक आएंगे अभी, तो चौथा मंगलवार आएगा ना, ठीक है? कितने डेज होते हैं इसमें? 21, 7 से इंटू किया 21, इसमें कितने का ऐड कर देंगे? इसमें 21 का, इसमें क्या हो जाएगा? 24 को क्या आएगा हमारा? ट्यूजडे, ठीक है? बेसिक सा क्वेश्चन सा समझ लीजिए। ऐसे भी कर सकते हो, 3 से फिर हमने 7 ऐड करेंगे इसमें, ठीक है? 10 तारीख को पड़ेगा, फिर 7 ऐड करेंगे 17 को पड़ेगा, फिर 10, 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 24 को पड़ेगा। तो ये हमारा दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे करो, फास्ट होगा, क्वेश्चंस को फास्ट करना सीखो, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझो, उसको डेली प्रैक्टिस करो और फास्ट करना सीखो क्वेश्चन, जितना हो सके उतना फास्ट। साथ ही आप नोट करते जाए, अच्छे बेस्ट क्वेश्चन है हमारे, ठीक है? देखते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 17 मार्च 1980, अभी हम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है? इसमें टाइप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे हमारे, रिपीट कैलेंडर वाला आएगा, ठीक है? और लाभ ये ओनली एक डेट दी होगी, उसमें ये पूछेगा आपको कि ये उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम आपको उसके लिए ट्रिक बताएंगे, एक बेस्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है? जो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है? कुछ यूट्यूबर क्या होते हैं, ट्रिक तो बताते हैं लेकिन वो ओनली किस सन के लिए बताते हैं? 1900 से 2020 तक की ओनली। हम आपको 1900, 1800 पूरे जितने भी सन्स होते हैं कैलेंडर में, अभी तक जितना भी कैलेंडर बना है, पूरी की ट्रिक बताएंगे, ठीक है? और भी बताएंगे आपको, क्योंकि हमें 17 मार्च क्या दिया है? 1980 को मंडे दिया है, ठीक है? मंडे करना क्या है? 12 जुलाई, 12 जुलाई, ठीक है? 12 जुलाई 1980 को कौन सा डे होगा हमारा, ये समझ लीजिए, इसको थोड़ा कर दो। 12 जुलाई को कौन सा डे होगा हमारा? तो
चलो आप लोग पढ़ते जाइए, बता रहा हूँ अभी इसका आंसर। इसको सॉल्व करो आप। देखो 17 मार्च 1980 को क्या हमारा मंडे, 12 जुलाई 1980 को क्या होगा, पहले हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो इसमें चेंजेस क्या है, अभी ओनली हमें को डेट चेंज कर रहा था, डेट एक ही महीना में सेम दे रहा था, महीने की हमें क्या दे रहा था सेम, लेकिन हमने उसने महीना भी चेंज किया है, डेट भी चेंज किया है, ठीक है। ओनली सन सेम है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे इसमें सन भी चेंज मिलेगी, ठीक है। इसलिए हमारा ये सेकेंड टाइप बोल सकते हो आप, ठीक है, अच्छा टाइप है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 17 मार्च दिया है, अब हमें ये देखना है मार्च में हमारे कितने डेज होते हैं टोटल, टोटल मार्च में कितने दिन होते हैं, ये समझ लीजिए 31 होते हैं। देखो ठीक है, कोड क्या होता है मार्च का 3, 31 दिन होते हैं तभी तो काटे कितना होता है 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 17 हमें दिया है, तो 31 तक जाने के लिए हमें कितना और चलना पड़ेगा, कितना और चलना पड़ेगा, 17 में से माइनस करेंगे तो कितना चलना पड़ेगा, 13 और एक 14 चलना पड़ेगा 31 तक जाने के लिए, हमारा मार्च का महीना एंड हो गया, ठीक है 14 चले। उसके बाद कौन सा महीना आएगा, अप्रैल, ठीक है। अप्रैल हमारा कितने डेज का था, 30 डेज का, कितने डेज का था 30, उसमें जो रिमाइंडर था हमारा कितना बच रहा था इसमें 2, तो ओनली मंथ के कोड को रखेंगे, ओनली हम यहाँ पे 30 दिन भी रखने वाले, कुछ लोग क्या करते हैं 30 दिन रख देते हैं, लेकिन हमें जब कोड पता है तो हम 2 रखेंगे ओनली, ठीक है, क्या रखेंगे 2, क्योंकि बचेगा तो भाई अगर इसको भी डिवाइड करेंगे तो वो 2 ही आएगा, ठीक है। क्या हो गया हमारा मार्च कंप्लीट हो गया, अप्रैल कंप्लीट हो गया, अब क्या बचा मई, मई में कितने होते हैं हमारे, कोड कितना था मई का 3, ठीक है 3 हो गया, ठीक है। जून का देखो, जून का कितना था हमारा, ये 3 हो गया और ये 2, जून का कितना है हमारा 2, और जुलाई 12, जुलाई का लास्ट ये हमारा 12 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मार्च जुलाई, मार्च से जुलाई तक देखो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, लास्ट का ये देखते हैं कौन सा 12 ऐड किया, इसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे, ऐड करो इसको 16 19 दो 21 और 12 33, 21 और 12 33, 33 डिवाइडेड 7 कितना आएगा, ये हमारा काटने के बाद रिमाइंडर 7 5 35, लेकिन 35 नहीं है, क्या आएगा 7 4 28, क्या आएगा 5 रिमाइंडर आएगा, ये हमारा 5 रिमाइंडर आ रहा है, और इसमें जो कोड दिया है हमें अभी कितना है हमारा 17 मार्च को कौन सा था मंडे, इसका कोड क्या था 1, इसका कोड क्या था 1, ठीक है। 1 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 6, 6 मतलब क्या होता है हमारा सैटरडे, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, समझ लीजिए ओनली 2-3 मंथ हमें आगे जाना था, ये चले गए, मार्च हमारा हो गया, ठीक है। देखो इसमें हम 17 नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि जो 31 डेज होती है हमारे मार्च में, 17 दिन तक तो वो चल गया, अब कितना और जाना है हमें, 14 दिन आगे जाना है, फिर हमें कितना जाना है पूरा मंथ, पूरा मंथ में कोड क्या था 2, इसका क्या था 3 और इसका क्या था 2, फिर 12 जुलाई यानी कि 12, इसका कोड नहीं रखेंगे हम, क्योंकि इसके हाफ अभी 12 डेज ही वो चला है, ठीक है, इसलिए 12 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आपसे फिर से बोल रहा हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, हमसे जुड़ने के लिए, नोबल स्टडी से जुड़ने के लिए, ठीक है, हमारा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो प्लीज हमसे जरूर शेयर कीजिएगा कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा, कमेंट्स के साथ जरूर बताइएगा। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 6, यदि आज सोमवार है, यदि देखो यहाँ पे यदि आज सोमवार,
बयालीस दिन बाद कौन सा दिन होगा? बयालीस दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, क्वेश्चन सही हमारा। यदि आज सोमवार है, देखो यहां पे आज क्या दे रहा है, वो सोमवार, आज क्या दे रहा है, सोमवार, ठीक है, मंडे दे रहा है। बयालीस दिन बाद क्या होगा? बयालीस दिन 42 डिवाइड करेंगे इसको 7 से, 7 6 42, रिमाइंडर 0, यानी कि जो हमारा संडे है, ठीक है, हमारा रहेगा क्या, इसमें 0 को ऐड करेंगे क्या रहेगा, सोमवार ही हमारा इसमें क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ लीजिए। बयालीस दिन बाद अगर वो यही बोल देता कि अभी आज सोमवार है, आज क्या है हमारा, सोमवार है, तो 62 दिन बाद बताइए, यहाँ पे 62, ठीक है, 7 से डिवाइड करते हैं हम, कितना जाएगा हमारा, 7 से करने के बाद 7 से 8 बार जा रहा है, 7 8 56, 56 और 6 62, तो 6 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, और इसका कोड कितना है हमारा, 1, ठीक है, हम ऐड कर देंगे 1 और 6 को, क्या आएगा, 7, ठीक है, 7 का कोड क्या बताया था मैंने, संडे, संडे हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, कोड के हिसाब से भी चलिएगा, ठीक है, 7 से हमें डिवाइड करना है, ये समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज दी है, 26 वर्षों में कितनी बार हमारा 29 फरवरी आएगा, कभी कभी वो डायरेक्ट ना पूछते हुए ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेता है, 26 वर्षों में कितनी बार 29 फेब आएगा, ठीक है, उसमें करना क्या है, सेम है बताओ हमारा, 26 वर्षों में हमें, सॉरी 26 वर्षों में हमें ये चेक करना है कि मतलब इसका मतलब क्या होता है, का मतलब होते का है लीप ईयर, ठीक है, मतलब लीप ईयर वाला ईयर होगा जब भी, तो हमारा 29 फरवरी आएगा उस ईयर में, इसमें ये पूछ रहा है कि 26 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, तो नॉर्मली 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, कितनी बार, 6 बार, कितनी बार आएगा, 6 बार, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो हमारा 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो ये हमारा 7 हो गया, ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट वाला सेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है, और इसमें जो हमारे जो क्वेश्चंस और रह गए हैं वो समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं, अभी बहुत बेस्ट क्वेश्चंस रह गए हमारे, ठीक है, तो कल भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखो इसमें हमारा जो नेक्स्ट अभी टॉप टाइप रह गया है वो रह गया है, रिपीट कैलेंडर पूछेगा वो आपसे, रिपीट जो कैलेंडर होता है वो कौन कौन से ईयर में होता है, ठीक है, आपको वो कभी ये पूछ लेगा कि 18 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था, ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं हमारे जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं हम कल आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और देखते रहिए नोबल स्टडी। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।